मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था इन दो सीरीज के बारे में और अब हम इसका रिव्यू करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, पहले हम रंजिशी सही सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ट्रेलर के रिव्यू में ही कहा था सीरीज कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही, और हुआ ऐसा भी। सीरीज अपने बजट में ठीक थी और परफॉर्मेंस वाइज मुझे पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेंथ। मुझे समझ नहीं आता कि हर सीरीज को 10 एपिसोड की होना ज़रूरी है। नहीं, रंजिश ही सही को जिस लाइनअप और जिस पर फोकस होना चाहिए था वो है ही नहीं। आई थिंक महेश भट्ट अब अपना सोल खो रहे हैं और ये चीज़ यहाँ पे दिख जाती है। ऐसा नहीं कि सीरीज खराब है, स्टोरी प्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और पॉइंट ऑफ व्यू भी इंटरेस्टिंग था। फिर भी सीरीज कहीं पर भी इम्प्रेस नहीं कर पाती। सो अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आप देख सकते हैं, पर इससे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। पर्सनली मुझे ताहिर राजभसीन और आमला पॉल का स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा लगा, और क्रिटिक्स क्यों इसको इतना अच्छा बोल रहे क्या पता। नंबर टू, ये काली काली आंखें। पर्सनली ये सीरीज मुझे एवरेज लगी, क्योंकि अगर आपने इससे पहले कई सारे 90s एरा की बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स या फिर SRK की चाहत फिल्म देखी है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नयापन नहीं मिलेगा। पर अगर आपको पुराने बॉलीवुड एरा को और एक बार रिफ्रेश करना है तो आप ये काली काली आंखें को ज़रूर देखो। अगर आपने हसीन दिलरुबा फिल्म देखी है तो ये सीरीज़ उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो भी बिना काम का। और एंडिंग से तो मैं टोटली डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अगर आपने देखी है तो आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज ताहिर राजभसीन ने इम्प्रेस किया मुझे, बट अदर टू कास्ट का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं था। बजट वाइज सीरीज अच्छी है। ऑल्सो अगर आप दिल टूटे आशिक हो तो आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। एक चीज़ समझ आ गई है कि कंटेंट वाइज नेटफ्लिक्स इंडिया के पास कुछ बचा नहीं, और उनको पता ही नहीं चल रहा कि इंडियन ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट चाहिए। ओवरऑल बात करूँ तो ये दोनों भी कंटेंट मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगे, और अब तो इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म से मैं लिटरली डिसअपॉइंट हूँ। फिर भी असुर 2 का इंतज़ार तो रहेगा ही। सो आपको इनमें से कौन सा कंटेंट पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ सजेशंस वीडियो से रिलेटेड। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कॉज यू आर फिल्मी।